देखो, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि भाई हर पुलिस स्टेशन में, हर जगह, सीबीआई भी जहां इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन करती है, पूछताछ करती है, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं जो कि इंटरोगेशन करती है, ठीक है, क्रिमिनल्स से, वहां पर जहां पर वो इंटरोगेशन करती है उनके ऑफिसेस में या पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कंपलसरी हो गया है। तो इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये पूरा मामला, ठीक है। पहले देखो करंट न्यूज़ में क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी सेंटर को यानी कि केंद्र को ऑर्डर दे दिया है कि भाई अब कंपलसरीली यानी कि अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरास जो और कोई भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो होता है, इक्विपमेंट मतलब कोई भी रिकॉर्ड करने की चीज़ जो होती है, वो सभी सेंट्रल एजेंसीज जैसे कि एनआईए होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसी कोई भी एजेंसी, ठीक है, जिसके पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन कर सकती है, इंटरोगेशन यानी कि पूछताछ, ठीक है, किसी भी इंसान से पूछताछ कर सकती है, तो ऐसी जगहों में, ऐसे ऑफिसेस में ये ज़रूरी हो गया है कि सीसीटीवी कैमरा या कोई भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लगाना ही होगा। अब ये था करेंट न्यूज़, ठीक है। अब आगे देखो, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है। ये एक 3 जज बेंच था जिसको लेड कौन कर रहे थे, जस्टिस रोहिंतन फली नरीमन, ठीक है। इन्होंने ये स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है केंद्र को कि भाई आपको सीसीटीवी या रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल करना ही होगा सभी ऑफिसेज में, सीबीआई, एनआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखती है, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ को इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं ड्रग्स लेने के लिए, ये जो एनसीबी है बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना। फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, या कोई भी ऐसा ऑफिस, कोई भी ऐसी एजेंसी जिनके पास ये पावर है कि वो इंटरोगेशन यानी कि पूछताछ कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है, उनके ऑफिसेज में ये सीसीटीवी कैमरास लगाना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट देखो, ये भी कहा है कि हर थाने में, हर स्टेट के हर थाने में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा ये चीज़ कवर करना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्यों किया गया भाई ये? क्योंकि कस्टोडियल टॉर्चर, मतलब आपको पता ना, थानों में जो लोगों को रख के टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, कई बार ये फेक भी निकलते हैं ना, कई बार गलत केसेस में भी उनको पकड़ के ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, कई बार इनकी डेथ भी हो जाती है, कस्टोडियल डेथ, आपको पता होगा। तो इस वजह से ये एक बहुत ही संगीन मामला है, भारत में कस्टोडियल डेथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, थानों में, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। फर्दर ऑर्डर क्या है और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज़ बनाई जाएंगी जो कि ये मॉनिटर करेंगी, ये देखेंगी कि सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन, उसका यूज़, उसकी फंक्शनिंग, बजट कितना लग रहा है, रिपेयरिंग कब होना चाहिए सीसीटीवी कैमरास की, ये सब ये कमेटी देखेगी, ठीक है। इसके लिए कमिटीज़ भी बनाई जानी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। फिर ये भी कहा है कि बड़े बड़े पोस्टर्स जिसमें सीसीटीवी कवरेज के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, लोगों को ऐसे पोस्टर्स दिखने चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर ये सीबीआई के ऑफिसेज हो या एनआईए के ऑफिसेज हो, जितनी भी ये सेंट्रल एजेंसीज है या पुलिस थानों में भी इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाने चाहिए जिसमें सीसीटीवी कवरेज के बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा हो, ठीक है। बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए, इन पोस्टर्स में क्लियरली ये दिया होना चाहिए कि किसी भी इंसान को कंप्लेन करने का हक है अगर उसके साथ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ है तो, और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जिनके साथ हुआ है वो कहाँ कहाँ जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, ये भी उन पोस्टर्स में क्लियरली लिखा होना चाहिए। वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देखो, नेशनल या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कोर्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ या पुलिस के पास यानी कि एसपी के पास, ठीक है, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि इस तरह के ऑफेंसेस को देखती है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के ऑफेंसेस को देखती है, उसके पास जा सके, ये चीज क्लियरली उन पोस्टर्स में मेंशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो कम से कम 6 महीने तक का होना ही चाहिए, यानी कि इन थानों में या किसी भी एजेंसी के ऑफिस में जो सीसीटीवी लगा होगा उसका जो फुटेज होता है वो रिकॉर्ड होता है ना,
तो वो रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने की प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए, ताकि अगर किसी भी इंसान के साथ ह्यूमन राइट वॉयलेशन हुआ है, ठीक है, तो वो जो विक्टिम है वो वहाँ पर जाके उन ऑफिसेज में जाके वो फुटेज ले सके, ताकि उनके पास प्रूफ हो कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। ये पूरी तरह से इंसानों को राइट दिया गया है कि भाई आप सीधे जाओ ऑफिसेज में और फुटेज कलेक्ट करो, क्योंकि पुलिस थाने या कोई भी एजेंसी को हमने ये ऑर्डर दे दिया है कि वो कम से कम 6 महीने का फुटेज तो रखें ही, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को साफ तौर पर एससी ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीसीटीवी हर एक पुलिस स्टेशन में होना ही चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी स्टेट या यूटी हो, कोई बहाना नहीं चलेगा, पुलिस स्टेशन में तो होना ही चाहिए, और बाकी जो एजेंसीज है वहाँ पर तो होता है, होना ही है, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जितने भी सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड होंगे उसमें नाइट विजन होना ज़रूरी है। नाइट विजन यानी कि देखो कुछ कैमराज में ना रात की फुटेज क्लियर दिखती नहीं है, ठीक है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई रात की फुटेज क्लियर दिखे इसलिए उन कैमराज में नाइट विजन इक्विप्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑडियो भी सुनाई देनी चाहिए, ऑडियो इक्विपमेंट भी आप उसमें लगाओगे उन कैमराज में, ठीक है। वीडियो फुटेज भी क्लियर होना चाहिए, कोर्ट ने सीधे कह दिया। देखो अभी बहुत ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रहे हैं, टॉर्चर्स होते हैं, ठीक है, वो हमको पता भी नहीं चलता। जो लोग कंटिन्यूसली पेपर पढ़ते हैं ना उनको अच्छे से मालूम होगा कि कितना ज़्यादा इस तरह का मामला बाहर आता है, लेकिन कुछ ही समय में दब जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर अभी पास किया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ पुलिस थानों में ही होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों को स्पेशली कहा है कि कोई भी पार्ट पुलिस थाने का अनकवर्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सीसीटीवी जो है पुलिस थानों में जहाँ पर एंट्री होती है, मतलब जहाँ से लोग अंदर घुसते हैं वहाँ पे होना चाहिए, जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं थाने के वहाँ पे होना चाहिए, मेन गेट जो होता है पुलिस स्टेशन का बाहर वहाँ पे होना चाहिए, सभी लॉकअप्स के पास होना चाहिए, वॉशरूम के बाहर होना चाहिए, और जो भी दूसरी जगह है थाने के अंदर वहाँ पर होना चाहिए, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी देखो कुछ जगह ऐसे हैं, बहुत ही कम है बट है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, जहाँ पर बिजली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है ऐसे रिमोट एरियाज़ में स्टेट गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो देखें कि पुलिस थानों में सीसीटीवी हो। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सीसीटीवी कैसे होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कहा है भाई आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी लाओ, चाहे आप सोलर पावर का यूज़ करो, चाहे आप विंड पावर का यूज़ करो, हमें नहीं पता, बट ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वहाँ पर पुलिस थाने में सीसीटीवी होना ही चाहिए। मतलब सीधी बात है, देश में कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, ना कोई पुलिस थाना, ना कोई सेंट्रल एजेंसी, ठीक है। जिनके पास क्या हो, जिनके पास ये पावर हो कि वो किसी इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं या किसी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करने की वो क्षमता रखते हैं ऐसे एजेंसीज में, ठीक है। और ये सब जो मामला है, ये जो ऑर्डर अभी आया है, ये इसको ध्यान में रखते हुए आया है, क्योंकि कस्टोडियल डेथ और कस्टडी में कई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है, बाद में पता चलता है वो निर्दोष थे, ठीक है। तो वो लोग बाहर आके उनके पास कोई सबूत भी नहीं रहता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। चाहे आप वो किसी भी एजेंसी की बात कर लो, किसी भी पुलिस स्टेशन की बात कर लो, कई बार ऐसा हमने देखा है, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा कदम उठाया है, अब अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम प्रूफ रहेगा, बहाना लोग नहीं दे पाएंगे कि भाई नहीं हमने कुछ किया नहीं है, ये तो पहले ही ऐसा था, ये वो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है हमारे लोगों को बचाने का इस तरीके के टॉर्चर से, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, तो हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।